कश्मीर में एक सीआईडी इंस्पेक्टर की शरेआम हत्या के बाद एक और इंस्पेक्टर को धमकी दी गई है। लश्कर तैयबा ने परवेज अहमद जैसा अंजाम भुगतने के लिए सोपर के एसएचओ खालिद को धमकाया है और इसके साथ ही इस हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें धमकी कायरतापूर्ण तरीके से परवेज अहमद की पीठ पर गोलियां मारकर फरार हो गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब वो नमाज पढ़कर वापस लौट रहे थे। लश्कर के कायरों की सबसे शर्मनाक करतूत आपके सामने है। श्रीनगर के नौगाम इलाके में सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि आतंकी उनका पीछा कर रहे हैं। घर से थोड़ी दूर पहले आतंकियों ने इंस्पेक्टर परवेज पर पीछे से हमला किया। पहले एक आतंकी ने उनकी पीठ पर गोली चलाई, फिर दूसरे आतंकी ने भी उन पर फायर कर दिया। दोनों आतंकियों ने उन्हें 3 गोलियां मारी। आतंकी हमले में परवेज अहमद सड़क पर ही गिर पड़े। उन्हें गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक परवेज अहमद डार परिमपोरा थाने में तैनात थे। हमले के बाद शहीद इंस्पेक्टर के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी में नजर आ रहे दोनों आतंकियों की पहचान करके तलाश जारी है। खुफिया सूत्रों और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन बुखलाए हुए हैं, क्योंकि कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों में कमी आ रही है और कई आतंकी मारे जा रहे हैं। यही कारण है कि लश्कर तैयबा और उसके सहयोगी संगठन टीआरएफ ने स्थानीय लोगों पर हमले करना शुरू कर दिए हैं ताकि वो सुरक्षा बलों और सेना का साथ ना दें, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी आतंकियों से भरपूर बदला ले रही हैं। इंस्पेक्टर परवेज की हत्या के बाद लश्कर ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही आतंकियों ने एक और पुलिस अधिकारी को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। पुलिस के मुताबिक सोपोर के थाना प्रभारी खालिद को चिट्ठी के जरिए ऐसा ही अंजाम भुगतने की धमकी मिली है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये लश्कर से जुड़ा आतंकी संगठन है। धमकी भरी चिट्ठी में लिखा है, परवेज अहमद पर हुआ हमला उन लोगों के लिए आंख खोलने वाला है जो जम्मू कश्मीर में सरकारी मशीनरी की कठपुतली बने हुए हैं। ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं कि अपनी पोस्टिंग के दौरान उन्होंने क्या क्या किया है। सोपोर के एसएचओ खालिद भी उन्हीं की राह पर है। आतंकियों की इस चिट्ठी के बाद सोपोर के एसएचओ खालिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही लश्कर और टीआरएफ के आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम के साथ होने वाली बैठक से पहले आतंकी हमले सिर्फ आतंकियों की बुखलाहट का नतीजा है, क्योंकि आतंकी संगठन धारा 370 और 35A के खिलाफ हैं और वहीं कश्मीर के कट्टरपंथी संगठन भी इन दोनों को हटाए जाने का विरोध केंद्र सरकार से करते आ रहे हैं। लेकिन दोनों को ये समझ जाना चाहिए कि ये फैसले कश्मीर के हित में लिए गए हैं और उन पर अमल भी होगा और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।